देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन बझे को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने वजह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि वजह अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का गंभीर आरोप लगाया। उधर महाराष्ट्र बीजेपी ने वजह का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। सचिन वजह 14 मार्च से लेकर 25 मार्च तक NIA की हिरासत में रहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि सचिन वजह कौन है और अर्णव गोस्वामी मामले में इनकी क्या भूमिका रही। एंटीलिया मामले में NIA की एंट्री से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गई है। आने वाले समय में महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में तकरार बढ़नी तय है। एक ओर जहां महाराष्ट्र भाजपा नेता इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं, वहीं संजय राउत ने NIA की जाँच को गैर जरूरी कहा है। संजय राउत ने कहा कि हम NIA का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी इसकी जाँच कर सकती थी। मुंबई पुलिस और ATS सम्मानीय है, लेकिन सेंट्रल एजेंसियां लगातार मुंबई आकर पुलिस का मनोबल गिराने पर तुली हैं। इससे राज्य में अस्थिरता आ रही है। मुंबई पुलिस प्रशासन पर दबाव बन रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सचिन वजह ईमानदार और काबिल अफसर हैं। उन्हें जिलेटिन केस में गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है, किसी सेंट्रल टीम की जरूरत नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा कि मुंबई पुलिस की जांच पर राज्य के विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, पुलिस का मनोबल ही तोड़ देते हैं। ये राज्य व्यवस्था पर दबाव लाने का प्रयास है। इस दबाव के चलते ही पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को गुप्त जानकारी मुहैया कराते हैं। ऐसा होना सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। सभी को पानी में रहना है, मगरमच्छ से बैर क्यों करना। ऐसा सबको लगने लगे तो राज्य का प्रवाह दूषित हो जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता अनिल देशमुख ने कहा कि स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन स्टिक और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच NIA और ATS कर रही है। जो सच निकलेगा उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं वजह की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मामला गंभीर है। अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार खुद फंसती नजर आ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। इस मामले में बीजेपी ने सचिन वजह के नार्को टेस्ट की मांग की। पार्टी नेता राम कदम ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार कुछ बड़े नामों को बचाने के लिए सचिन वजह का इस्तेमाल कर रही थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजह की तो जेल रवानगी हो चुकी है। वजह गैंग के अन्य लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी। मुझे शंका है कि इसमें पुलिस के लोग शामिल हो सकते हैं। ठाकरे सरकार ने वजह को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। बता दें कि NIA ने शनिवार को 13 घंटे तक सचिन वजह से लंबी पूछताछ की। इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिला था उसकी नंबर प्लेट बदली गई थी। उस नंबर प्लेट पर अंबानी की जगुआर का ही नंबर लिखा था। NIA ये जांच कर रही है कि संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को क्या मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजह ने खड़ा किया था। NIA के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। एक CCTV फुटेज में एंटीलिया के पास PPE किट पहने एक शख्स दिख रहा है। ये उसी दिन का फुटेज है जिस दिन संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी। एजेंसी फिलहाल इस बात की जांच करने में जुटी है कि PPE किट पहने हुए जो शख्स दिख रहा है वो सचिन वजह ही है या कोई और। इसके अलावा NIA यह जांच कर रही है कि आखिर 25 फरवरी की शाम को सचिन वजह की लोकेशन क्या थी। इसी दिन संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी जिससे जिलेटिन की 20 छड़े बरामद की गई थी। यही नहीं, इस कार से एक धमकी भरा पत्र भी मिला था। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के 1990 बैच के सचिन वजह की शुरुआती करियर में लंबे समय तक ठाणे में पोस्टिंग रही। उनकी मराठी के एक बड़े पत्रकार से दोस्ती थी। उस पत्रकार की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी गहरी फ्रेंडशिप थी। सचिन वजह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। एक पत्रकार के दावे के मुताबिक सचिन ने 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। सचिन वजह कई बार सस्पेंड और गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ख्वाजा यूनिस से जुड़ी साजिश रचने के आरोप में वो अरेस्ट हुए थे और 14 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहे थे। पिछले साल ही उनकी पुलिस फोर्स में वापसी हुई और उन्हें फिर से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट दी गई।
सचिन बजे तब सुर्खियों में आए जब फर्जी टीआरपी केस का उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया। अपनी जांच को वो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी तक ले गए। इस केस में उन्होंने 2 चार्जशीट भी दाखिल की। पिछले महीने ही सचिन बजे ने ऋतिक रोशन का स्टेटमेंट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सचिन बजे कुछ हाई प्रोफाइल केसों के डिटेक्शन की वजह से महाराष्ट्र सरकार में कुछ बड़े नेताओं के इतने करीबी हो गए। कुछ केसों में वो पुलिस के अपने बॉस को नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सीधे एक बड़े नेता को अपडेट देते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।